फेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गुजरात राज्य का मेहसाणा जिला, उसका एक छोटा सा नगर वडनगर, जो इतिहास में कभी अनर्थपुर, कभी आनंदपुर, तो कभी स्कंदपुर के नाम से जाना जाता था। वडनगर ऐतिहासिक व्यापार केंद्र भी रह चुका है। यहां विदेशी व्यापारी और विद्वान अक्सर आते रहते थे। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय चीनी बौद्ध भिक्षु वेनसांग भी यहां आए थे। एक जमाने में जैनों की पवित्र शेत्रुंजय पालिताणा यात्रा भी वडनगर से ही शुरू होती थी। विभिन्न विचारधाराओं का जहां गूंजता था स्वर, ऐसे वडनगर में था नन्हे नरेंद्र का घर। नरेंद्र भाई के पिताजी का नाम था दामोदर काका। वो काला वासुदेव चौक के पास उनका घर था। दामोदर काका की स्टेशन पर एक चाय की दुकान थी और साथ में नमक पीसने का भी काम करते थे। घर में थे 6 भाई बहन। तीसरा था नरेंद्र, जिसका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। नरेंद्र की एक बड़ी बहन भी थी, जिनका बचपन में ही देहांत हो चुका था। दामोदर भाई के 5 बेटे, पहले सोमा भाई, दूसरे नंबर पे उमेश भाई, तीसरे नंबर पे नरेंद्र, चौथे नंबर पे प्रहलाद भाई, पांचवे नंबर पे पंकज भाई। बहन एक ही थी। नरेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा हुई वडनगर की कुमारशाला नंबर 1 में, और हाई स्कूल था बीएन विद्यालय। स्कूल में दोस्त नरेंद्र को एनडी कहकर बुलाते थे। पिताजी दामोदर दास मोदी के लिए था वो कुमार। नानपन में छोकरो तो फाइन था। बचपन में बच्चा शरारती तो होता ही है, वह भी शरारती थे, पर उनमें नेताओं वाले गुण भी थे। क्लास मॉनिटर बनते थे, चप्पल इधर से उधर करना और उधर से इधर करना और स्कूल बैग की उथल पुथल करना, ऐसी शरारत वो और उनकी मंडली करते थे। पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की छोटी सी दुकान चलाते थे। नरेंद्र स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करता था। स्टेशन पर मुसाफिरों से बात करते करते उसी समय से नरेंद्र की हिंदी बहुत अच्छी हो गई थी। परिवार के संघर्ष में भागीदार माता हीराबा भी थी, जो गुजारे के लिए पड़ोसियों के घरों में भी काम किया करती थी। किसी का कोई काम करना हो, बर्तन मांजना हो या कपड़े धोना हो, ऐसी सामान्य मजदूरी करते थे और अपना गुजारा और अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते थे। एक बार उनके पास स्कूल फीस भरने के भी पैसे नहीं थे, तब लोगों ने उनकी मदद की थी। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। इस साधारण परिवार में आमतौर पर बाजरे की रोटी और कढ़ी बनती थी, पर बच्चे अक्सर मेहमानों का इंतजार करते थे, क्योंकि तब घर में बनती थी गेहूं की रोटी और सब्जी।
परिवार में संसाधनों की कमी जरूर थी पर संस्कारों की नहीं। माता हीराबा पढ़ी लिखी नहीं थी, पिताजी हर शाम उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाते थे और चंद अच्छे शब्द आसपास धमा चौकड़ी मचाते बच्चों के कानों में भी पड़ जाते थे। कपड़ों के मामले में नरेंद्र को हमेशा साफ सुथरा रहना पसंद था। लोटा स्त्री से कपड़ों को प्रेस किया तो कभी चौक से अपने जूतों को चमका दिया, हमेशा प्रेजेंटेबल। वो टर्नआउट का जब कंपटीशन होता था तो लगभग 80 लड़कों में ही यूज्ड टू स्टैंड विद इन फर्स्ट 5। आजकल जो कपड़े का शौक है वो शौक आजकल का नहीं है, वो शुरू से पैदा ही से है उसके साथ। जब भी वडनगर में कोई भी बीमार हीराबा के पास आता था तो वो उनकी निस्वार्थ सेवा करती थी देसी नुस्खों के साथ। और इसी काम में अपनी मां की मदद करने के लिए नरेंद्र हमेशा तैयार रहता था। वडनगर के मोदी ओड में जहां नरेंद्र का घर था वहीं नजदीक था काला वसुदेव का चौक। इसी चौक पर है गिरिपुरी महाराज का मंदिर। आरती के समय यहां भागकर नरेंद्र सबसे पहले पहुंचता था ढोल बजाने। इसी मंदिर में एक बार दूर से आए एक संत जब अपने शरीर पर जौ उगाए साधना कर रहे थे, नरेंद्र इनकी देखभाल के चक्कर में अपनी छोटी मौसी की शादी में भी नहीं गया। आठ साल के नरेंद्र के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब वो अपने हिंदी के शिक्षक चंद्रकांत दवे से प्रभावित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगा। एक दिन वडनगर की इसी शाखा में वकील साहब के नाम से मशहूर संघ के प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार स्वयंसेवकों को संबोधित करने आए। उस वक्त हम साथ में ही थे और वकील साहब ने तब जो कहा था वो सुनकर नरेंद्र उनसे काफी प्रभावित हुए और उसके बाद वो वकील साहब को मिलने गए और उन्हें मिलने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। उनके शब्दों ने नरेंद्र के मन में समाज सेवा और देशभक्ति के बीज बो दिए। चाहे महागुजरात आंदोलन के लिए लोगों को जुटाने का अभियान हो या स्कूल की टूटी दीवार के लिए पैसे जुटाने का काम, नरेंद्र सबसे आगे रहता था। और कोई भी काम करना हो आज जो हिसाब से उसके माइंडसेट है व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट तब से था, कोई भी काम सामने से आके मांगेगा मैं काम करूंगा और अपन सोचेंगे नहीं कर पाएंगे लेकिन 80 लड़कों में सबसे बेटर काम करके वो आगे आएगा। ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल द सोशल सर्विसेज आल्सो। उसी दौरान 1962 में चीन के साथ हुई जंग में भारत हार गया। इस हार ने उसे झंझोड़ दिया। नरेंद्र देश सेवा के लिए अब और उत्सुक हो गया। संघ से राष्ट्र सेवा के संस्कार सीखने वाला नरेंद्र देश रक्षक बनने के सपने पालने लगा था और इसीलिए वो सैनिक स्कूल जाना चाहता था। पैसे थे नहीं, पिता ने मना कर दिया।
इच्छा उसने एनसीसी से जुड़कर पूरी की। एक ग्रुप फोटो में स्कूल के प्रिंसिपल राजबिहारी मनिया रहे और नरेंद्र मोदी बैठा है। जूनियर एनसीसी में पहली बार नरेंद्र मोदी ज्वाइन करने को आए तो उसका कद काफी छोटा था, तो मैंने सोचा कि इसका फिजिकल टेस्ट लेके उसको खुद को महसूस करवाऊं कि यू आर नॉट फिट फॉर एनसीसी। तो मैंने 3 टेस्ट लिया, कम से कम 100 मीटर रनिंग का टेस्ट लिया 20 बच्चों को साथ में, तो ही केम फर्स्ट। एक पांव से लंगड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, एक पांव अंदर एक पांव से भागने का, वो लिया तो उसमें भी ही केम फर्स्ट। और तीसरा जो टेस्ट लिया हमने जिसको फ्रॉग जंप बोलते हैं, और उसी में वो पहले 5 में आया, तो मुझे मेरा कॉन्शियस अंदर से कहने लगा कि इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। ६९ में जब पाकिस्तान ने गुजरात की कच्छ सरहद पर हमला किया, तब स्टेशन पर नरेंद्र ने फौजियों को और करीब से देखा। सरहद के रखवालों के प्रति उसकी श्रद्धा और बढ़ी। उस समय पूरे देश के अंदर देशभक्ति का माहौल छाया हुआ था। नरेंद्र भाई वड़नगर से मेहसाणा जाते थे, सैनिक हमारे जो थे जवान, उनको चाय पिलाना, छोटी मोटी उनकी सेवा करना, उसके लिए वो जाते थे। नरेंद्र और विचारशील बनने लगा। वो पढ़ते, सोचते, अकेले भटकते, अपनी मंजिल खोजा करता था। घर परिवार के दायरे से बाहर निकलने लगा। शायद यही वजह थी कि उसने आगे जाकर अपना उपनाम रखा अनिकेत। अनिकेत जिसका कोई घर नहीं। उसे घर में रुकना नहीं था, उसे अपना जीवन सेवा में और देश को समर्पित करना था। घर छोड़कर उसे आश्रम, संत और ऋषि मुनियों से जीवन का वो जवाब चाहिए था जो उसे संतोष दे। ७७ साल के नरेंद्र ने घर छोड़ा। संयोग ही था कि वो उस शहर की तरफ गया जहां उसके अपने नायक विवेकानंद कभी रहा करते थे और जिनके बचपन के नाम नरेंद्रनाथ दत्त पर ही उसका नाम नरेंद्र रखा गया था। विवेकानंद जी की तरफ उनका बहुत लगाव था। उनका जब उन्होंने अमेरिका में जाकर प्रवचन दिया, उस आधार पर उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, उन्हें भी ऐसा बनना चाहिए। हीराबा के हीरे नरेंद्र को अब जिंदगी तराशने वाली थी। वो स्वामी विवेकानंद की दीक्षा भूमि बेलूर मठ जा पहुंचा, लेकिन उसको दीक्षा नहीं दी गई। उनको रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनना था, मगर रामकृष्ण मिशन का एक नियम था कि व्यक्ति ग्रेजुएट होना चाहिए, और नरेंद्र भाई ग्रेजुएट नहीं थे, इसलिए वो वहां सन्यासी नहीं बने। वहाँ के लोगों ने उन्हें और ज्यादा पढ़ने को कहा, और लोगों ने कहा कि तुम अभी जवान हो, तुम अभी भी अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सकते हो और फिर आ सकते हो, क्योंकि कम उम्र में इतना कठोर निर्णय लेना और फिर पछताना आपके लिए अच्छा नहीं। अब अनिकेत नरेंद्र भारत भ्रमण पर निकल पड़ा। कोलकाता से पूर्वोत्तर भारत, वहां से अल्मोड़ा, फिर केदारनाथ के पास गरुड़चट्टी,
दिल्ली, राजस्थान और राजकोट से घूमते हुए वो पहुंचा वापस वडनगर अपनी मां हीराबा के पास। नरेंद्र लंबी साधना के बाद वापस वडनगर पहुंचा। मां सालों बाद अपने बेटे को देख रही थी। दुख, विरह, गुस्सा, शिकायतें, सवाल सब आंसुओं के साथ बह निकले। और नरेंद्र के झोले में हीराबा को मिली अपनी ही एक पुरानी तस्वीर। पर माँ की चिंता तो माँ की होती है, वो तो किसी को कुछ कह नहीं सकती, पर अंदर ही अंदर दुखी होती थी। और नरेंद्र भाई जो निकले थे वो खुद की तलाश में निकले थे, कुछ हासिल करने के लिए निकले थे, एक शक्ति पाने के लिए निकले थे। भावनाएं अगले पड़ाव तक पहुंचे उससे पहले ही अनिकेत दोबारा घर से निकल पड़ा और जा पहुंचा अहमदाबाद, जहां नरेंद्र अनिकेत कुछ दिन अपने मामा की कैंटीन पर रहा। नरेंद्र भाई ने शुरुआत से ही अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर प्रचारक बने और अहमदाबाद में संघ का कार्यालय है यहाँ, डॉक्टर हेड गेवार भवन, और उनको लगा कि मेरे लिए ये सबसे ज्यादा अनुकूल काम है। और वहीं अहमदाबाद में नरेंद्र की मुलाकात वकील साहब से फिर से हुई। वकील साहब ने युवा नरेंद्र की गुजरात के संघ मुख्यालय हेडगेवार भवन में रहने की व्यवस्था कर दी। नरेंद्र भाई का पूरा व्यक्तित्व गढ़ने में अगर किसी एक संघ प्रचारक का अगर योगदान है तो वकील साहब का है। मणिनगर के इस भवन में नरेंद्र का दिन सुबह 5 बजे शुरू होकर आधी रात को खत्म होता था। अतिथियों को जगाना, चाय नाश्ता परोसना, कार्यालय की सफाई करना, ये सब नरेंद्र के जिम्मे था। अनिकेत नरेंद्र को अब ठिकाना मिल चुका था। अबे नरेंद्र, नरेंद्र ने पढ़ाई करना छोड़ दिया था, तब वकील साहब ने उससे कहा कि नरेंद्र तुझे पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। मेरा सौभाग्य रहा, जीवन का बहुत कालखंड उनके साथ बिताने का मुझे अवसर मिला, जवानी के अनेक वर्ष उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करता रहा, और इसलिए मेरे लिए वकील साहब का जीवन एक नित्य प्रेरणा का स्रोत रहा। उनके साथ काफ़ी समय रहते थे, उनसे बात होती थी, उनके जीवन के ऊपर उन्होंने एक किताब भी लिखी है श्रुतिबंध करके, उसमें तो काफ़ी उसका जिक्र है, उसके बारे में ज़्यादातर से किया हुआ है। तभी 1971 में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अभी का बांग्लादेश में क्रूर नरसंहार प्रारंभ कर दिया। If you want to save that and give the equal right of the Pakistani, then you have to give Bengal their right to live. इंदिरा सरकार के जल्द कदम न उठाने पर दिल्ली में सैकड़ों युवाओं ने पाकिस्तानी दूतावास को घेर लिया। इनमें से एक था 21 वर्षीय नरेंद्र। इंदिरा सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में ले लिया। तब नरेंद्र को भी तिहाड़ जेल जाना पड़ा। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने
और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। आखिरकार भारतीय सेना की मदद से पूर्वी पाकिस्तान बना स्वतंत्र बांग्लादेश। 16th of December 1971, Lieutenant General A.A.K. Niazi signed the instrument of surrender and placed himself and his troops under the command of Lieutenant General J.S. Arora. संघ में अपनी हटके सोच और नए प्रयोगों की वजह से नरेंद्र की जिम्मेदारियां और पहचान बढ़ती चली गई और उसी दौरान 1972 में सिद्धपुर में बड़ा धर्म सम्मेलन हो रहा था। तब उसने सूखी सरस्वती नदी की तली को ही अपनी तिजोरी बना ली। जब पैसे की जरूरत पड़ी तो बालू में से पैसे की थैली निकाली और वकील साहब दंग रह गए। देखिए, मूलभूत रूप से नरेंद्र मोदी अपने बचपन से ही देशभक्ति के संस्कार उनमें थे और तभी साइकोलॉजी भी कहती है और समाज विद्या भी कहती है कि किसी आदमी के भीतर जो पड़ा है उसको उजागर करने के लिए कोई माहौल की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें दीक्षित किया, शिक्षित किया और आगे बढ़ाया। वडनगर का नरेंद्र अब गुजरात ही नहीं, गुजरात के बाहर भी पहचाना जाने लगा। जल्द ही नरेंद्र को एक नया किरदार निभाना था क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र एक बार फिर बुरे दौर का साक्षी बनने वाला था।